नमस्कार दोस्तों, चलिए ट्रांजिएंट एनालिसिस का पार्ट टू है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ये टफ चैप्टर है, तो इसलिए मैं इसके थोड़े ही क्वेश्चंस कर लूँगी, ठीक है। देखिए, ताकि आप जितना पढ़ो वो क्लियर हो। देखिए, द सर्किट, ये जो क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू है, ये दोनों इसी सर्किट के ऊपर बेस्ड हैं, तो ध्यान से देखिएगा। द सर्किट फॉर क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू इज गिवन, अज्यूम दैट द स्विच एस इज इन पोजिशन वन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड थ्रोन टू पोजिशन टू एट टी इक्वल टू जीरो। सो क्वेश्चन है इसका वही, एट टी इक्वल टू जीरो प्लस करंट आई वन कितना होगा। अब आप ये सर्किट देखिए, इस सर्किट में ये एक स्विच है, ये कह रहा है कि स्विच एस इज इन पोजिशन वन फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक ये स्विच इस पोजिशन वन पे था। जब ये काफी लंबे समय की बात करता है, इसका मतलब स्विच जो है आपका स्टेडी स्टेट में रहा होगा। स्टेडी स्टेट मतलब काफी लंबे समय तक, है ना। और मैंने आपको ये बार बार बताया है कि जब भी स्विच लंबे समय तक खुला हो या लंबे समय तक बंद हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपका स्टेडी स्टेट बनती है और उसमें इंडक्टर शॉर्ट होता है, कैपेसिटर ओपन होता है। जब मैं ये डायग्राम लूंगी, ये आपका स्विच था, ये वन था, यहाँ पे आपने ये वोल्टेज बनाया इस तरीके से, ठीक है। ये वाला पार्ट तो चला जाएगा कि रेजिस्टेंस वाला, क्योंकि ये स्विच तो यहाँ से खुला है, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो गया है और इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ओके। जब ये होगा, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, कैपेसिटेंस होगा, ओके। ये हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इधर लिख सकती हूँ VC, लिख सकती हूँ ना। और यहाँ पे जो मेरा करंट है वो I1T होगा, ध्यान से समझिएगा। और ये क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो क्वेश्चन, और ये I2T है। अब इसने क्या पूछा है हमसे, I1T पूछा है। इनिशियली जब आपका स्विच ओपन है तो कोई करंट तो फ्लो नहीं करेगी ना, तो इसीलिए I1T इज इक्वल टू I2T, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। VC जीरो माइनस ओपन सर्किट वोल्टेज स्टिल एग्जिस्ट करता है, तो ये तो जो भी ये सोर्स वोल्टेज है, दिस सोर्स वोल्टेज V विल एंटायरली ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये आपका V हो गया। अब हमें क्या पूछा है इसने, T इक्वल टू जीरो प्लस पे पूछा है। T इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब जब ये स्विच पोजीशन टू पे आया, जब ये पोजीशन टू पे आएगा तो हमारा जो ये रेजिस्टेंस होगा, और हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे जब अब हमें स्विच टू की बात करना, ये स्विच इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो क्या था, V था ना, तो ये V इधर आ जाएगा भाई। इनिशियली इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देखो, देव वोल्टेज VC0 माइनस इक्वल टू VC0 प्लस इज इक्वल टू V होता है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, क्षणिक बदलाव उसमें नहीं आता, जो वैल्यू रहती है वो उसमें रहती है। अब आप इसमें देखिए, जब ये कह रहा है, अब ये T इक्वल टू जीरो प्लस पे, T इक्वल टू जीरो प्लस पे इंडक्टर विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, तो ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ध्यान देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बुक्स में भी कई बार जो हम बुक्स खरीदते हैं उसमें सॉल्यूशंस गलत होते हैं, ठीक है, और बच्चे वही करके आते हैं, टिक लगा के आते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको खुद से सॉल्व करना और टैली करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, T इक्वल टू जीरो प्लस पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो आपका जो था इंडक्टर ओपन सर्किट हो गया है, ये जो आपका रेजिस्टेंस था, और ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे करंट क्या बह रही है, आई वन बह रही है करंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लूप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं ना। इधर देखिए, यहाँ पे जब ये करंट ऐसे जाएगी तो इधर प्लस छोड़ेगी, इधर माइनस, तो यहाँ हो जाएगा आई वन आर प्लस वी एंड प्लस आई वन आर इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज वी इक्वल टू माइनस ट्वाइस आई वन आर, यही होगा, विच इम्प्लाइज आई वन की वैल्यू माइनस वी बाय ट्वाइस आर, तो आंसर क्या आएगा, माइनस वी बाय ट्वाइस आर, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे जब ये पूछ रहा है, पहले स्विच वन पे था तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। जब स्विच टू पे आया और T इक्वल टू जीरो प्लस पे हुआ, तो यही चीज शॉर्ट, ये यहाँ पे तो जो VC जीरो माइनस के क्रॉस वोल्टेज थी, जो VC जीरो था वही यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज, और ये जो हो जाएगा ये शॉर्ट हो जाएगा T इक्वल टू जीरो प्लस पे, और ये ओपन हो जाएगा, किस केस में, सेकेंड केस में, एट T इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, इसी का पार्ट है,
कि I1s, I2s आर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ I1t एंड I2t द इक्वेशंस फॉर द लूप करंट्स I1s एंड I2s फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर आफ्टर द स्विच इज ब्रॉट फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 एट t इक्वल टू 0. इसी सर्किट को हमें अब इसी सर्किट से ये सेकंड क्वेश्चन है. देखिए इस क्वेश्चन में मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो. देखिए इस केस में ये इसके पार्ट्स हैं, ये ऑप्शंस हैं. तो देखिए मैं यहाँ पे ये सर्किट भी बना देती हूँ. देखिए ये सर्किट है ना आपका फर्स्ट वाला, तो ये सर्किट कैसे बनेगा क्योंकि इसने क्या बोला है आफ्टर द स्विच इज ब्रॉट फ्रॉम पोजिशन 1 टू पोजिशन 2. अब हमें पोजिशन 1 वाला तो लेना ही नहीं है, हमें पोजिशन 2 वाला लेना है. ओके तो इसके लिए आप देखिए मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस था ठीक है. उसके बाद आपने देखा होगा हम जब लाप्लास डोमेन में सर्किट बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है आपने देखा ना 1/c इंटीग्रल आई डी टी, जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या आता है 1/cs इंटू आई एस आता है ना. और यहाँ पे एक चीज और आती है प्लस वी सी जीरो माइनस अपॉन एस. अगर हम बोलें कि हाँ जी अगर आप इसमें केवीएल लगा रहे हो ठीक है, ये कब आता है, आपने इसका लाप्लास डोमेन पढ़ा है, आप इसको चेक करिएगा. यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा इधर ये आएगा कुछ, ये आएगा प्लस माइनस वी बाय एस आएगा ओके. और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/sc ठीक है. फिर यहाँ पे इंडक्टर बीच में लगा हुआ है, आप जरा सर्किट देखिए, इंडक्टर बीच में लगा है, लगा हुआ है, फिर आर और सी है. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ आर, और यहाँ पे इसका लाप्लास डोमेन आप लिख लीजिए 1/sc ठीक है. और यहाँ पे इसका लाप्लास डोमेन हो गया sl. देखिए यहाँ पे 1/cs और v by s क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है vc0 माइनस आपको क्या दिया है, vc0 माइनस आपको दिया है v दिया है, v across कैपेसिटर यही दिया है ना ठीक है. तो यहाँ पे जब आप कैपेसिटर के क्रॉस निकालेंगे वोल्टेज तो उसका जो लाप्लास डोमेन होगा वो क्या होगा 1/cs प्लस v अपॉन se तो होगा. आपने क्या पढ़ा है, अगर मैं बोलूं जैसे ये है ना, नहीं ये आप पहले लाप्लास डोमेन पढ़ के आइएगा तब मैं बताऊंगी. अब इसमें आप देखिए लूप वन में करंट क्या जाएगी, I1s जाएगी, और इसमें जो करंट जाएगी वो जाएगी I2s. हमें करंट्स निकालनी है ना, तो पहले हम KVL निकालेंगे लूप वन में, KVL इन लूप वन, लूप वन तो यही है. तो आप इसमें देखिए क्या आएगा, इसमें होगा I1s into R plus V by S ठीक है, plus I1s into 1/sc and plus I1s minus I2s into कितना हो जाएगा SL ठीक है is equal to 0. अब आप यहाँ पे I1s और I2s की वैल्यूज को आप अलग कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/sc plus SL, और इधर हो जाएगा minus I2s into SL. और देखिए यहाँ पे R भी आ रहा है ना, इधर R भी आ रहा है I1s plus R, तो यहाँ पे R भी आ गया, तो R plus 1/sc plus SL, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा minus V by S हो जाएगा, हो जाएगा ठीक है. अब इसमें आप देखिए कि देखिए इसमें अब आप जब इसका सेकंड लूप में इक्वेशन निकालेंगे, जब आप केवीएल लेंगे, केवीएल लेंगे आप केवीएल इन लूप टू, तो आप इसमें देखिए क्या आएगा I2s माइनस I1s, आपको केवीएल तो लगाना आता है ना, I2s माइनस I1s इंटू SL एंड प्लस I2s इंटू R एंड प्लस हम क्या ले सकते हैं I2s इंटू 1/cs, दिस इज इक्वल टू व्हाट 0. अब आप देखिए अगेन इसमें आप रीअरेंज करिए इक्वेशंस को, माइनस I1s इंटू SL हो जाएगा एंड प्लस I2s इंटू कितना हो जाएगा R प्लस रुकिए ये हो जाएगा आपका SL एंड प्लस 1/cs, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 0. अब आप इसका मैट्रिक्स इक्वेशन बनाइए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इधर देखिए मैं ग्रीन पेन ले लेती हूँ, रुकिए देखिए ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन. तो यहाँ पे जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या आएगा, देखिए R प्लस एस एल प्लस 1/sc और इधर क्या आएगा I2 के केस में ये माइनस SL,
तो ये हो जाएगा माइनस एस एल, फिर दूसरे केस में माइनस एस एल हो जाएगा, और इस केस में हो जाएगा आर प्लस एस एल प्लस वन अपॉन एस सी। ओके, अब आप देखिए इसमें ये हो जाएगा आई वन एस इंटू आई टू एस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा माइनस वी बाय एस, और ये जीरो, यही होगा। अब आप इसमें देखिए कौन सी इक्वेशन है, इसका कौन सा आंसर सही होगा, आप इसमें से आंसर्स मैच कीजिए। ये शायद सी आ रहा है, देखिए आर प्लस एस एल प्लस वन अपॉन सी माइनस एस एल माइनस एस एल आर प्लस एस एल, हाँ जी यस, तो ये सी ऑप्शन है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें केवीएल लगाना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि टी इक्वल टू जीरो प्लस पर और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर और इंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने आप चक्रवर्ती की बुक जिसने भी अगर देखी होगी, जैसे मैंने आपको ये बताया ना इसमें एक चीज, जैसे हम जब इसका लाप्लास डोमेन लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे वन अपॉन सी इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी आई डी टी, तो कितना हो जाएगा आई एस बाई वन बाई सी एस प्लस वी जीरो एस बाई वी सी जीरो प्लस बाई एस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं हम, हमने दोनों इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है, ठीक है, ये आप पढ़िएगा चक्रवर्ती से, बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द आर एल सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज वी आई टी इक्वल टू यू टी द करंट आई टी इज, देखिए इस बार के क्वेश्चंस काफी मैं कंसेप्चुअल भी हैं, उसमें सॉल्यूशन भी बहुत है, पेशेंस रखिएगा। देखिए इसमें आपने इनपुट वोल्टेज कितना दिया है, यू टी लगाया है, मतलब कि यूनिट स्टेप वोल्टेज लगाया है ऐसे। अब आप देखिए पहले तो आप आई एस निकालेंगे, ठीक है, आई एस कैसे निकलेगा, करंट आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन एस प्लस टू, क्योंकि ये क्या है वन हेनरी है, तो एस इंटू एल इज इक्वल टू एस इंटू वन इज इक्वल टू एस, यही होगा। अब आप इसमें वी एस की वैल्यू कितनी है, एल ऑफ यू टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन इज वन अपॉन एस, तो ये वन अपॉन एस ऑफ एस प्लस टू आएगा। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन लीजिए, ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस टू, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू वन अपॉन एस ऑफ एस प्लस टू, यही होगा ना, तो ये वैल्यू वन बाई टू आ गई। और बी की वैल्यू लेंगे तो लिमिट एस टेंड्स टू माइनस टू एस इंटू सॉरी एस प्लस टू इंटू वन अपॉन एस ऑफ एस प्लस टू, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस वन अपॉन टू आएगा, तो यानी कि पार्शियल फ्रैक्शंस करने के बाद ये वैल्यू वन अपॉन टू एस, मैं इसको चलिए ऐसे ले लेती हूँ, माइनस ये तो कॉमन आ गया ना, वन अपॉन एस प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका क्या करें, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले, ये तो आई एस आ गया, आई टी कैसे लेंगे आप, बहुत इजी है, ये हो जाएगा हाफ वन अपॉन एस इज वन माइनस ई माइनस टू टी, ठीक है। अब आप देखिए इसने क्या क्वेश्चन में पूछा है, आपके पास ये आर एल सर्किट है, इसने क्या दिया है क्वेश्चन, पहले तो आप क्वेश्चन देखिए, आर एल सर्किट दिया है, रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट दिया है, इनपुट वोल्टेज आप यूनिट स्टेप फंक्शन लगा रहे, तो इसने आई टी पूछा, आई टी तो ऐसे ही निकलेगा, जब ये लूप करंट इसमें जाएंगे, जब आप इसमें लगाओगे तो क्या होगा, माइनस वी इनपुट एस प्लस आई एस इंटू एस एल प्लस आई एस इंटू टू, तो यही तो आएगा आपका, आई एस कॉमन लेके कितना आएगा, एस एल प्लस टू इज इक्वल टू वी इनपुट एस, यही तो आया था जो मैंने आपका इधर लिखा, यही था जो मैंने अभी ये जो हमने केवीएल लगाया ना, इसमें केवीएल केवीएल लगाया हमने, तो ये जो आया आपका ये यहीं से तो आया, इसको हमने यहां पे ऐसे रख दिया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए तो जगह भी नहीं रहती है थोड़ी है, अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, हमारे पास ये आंसर आ रहा है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मानती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ओके, एट t इक्वल टू जीरो, जब मैं इसमें t इक्वल टू जीरो रखूंगी तो मेरे पास आई टी की वैल्यू क्या होगी, आई टी की वैल्यू क्या आएगी या t इक्वल टू जीरो, हाफ ऑफ वन माइनस ई माइनस टू इंटू जीरो, ई माइनस जीरो इज वन, तो ये जीरो आएगा। जब मैं इसमें एट t इक्वल टू इन्फिनिटी रखूंगी तो मेरे पास आई टी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, हाफ ऑफ वन माइनस ई माइनस इन्फिनिटी, तो ई माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है तो ये हाफ आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 0.5 आएगी। जब मैं इसमें t की, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ हर जगह हमें हाफ, यहाँ पे हाफ हाफ पे दिया है ना, और 2 पे तो अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम इसमें हाफ पे निकालते हैं, तो हाफ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5, यानी कि
अभी हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, मतलब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0.5 आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे आ रही है। टी इक्वल टू हाफ डालिए जरा आप, टी इक्वल टू हाफ पे आई टी इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ ऑफ 1 माइनस ई माइनस 2 इंटू 1 बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ 1 माइनस ई माइनस 1। अब याद रखिए कि ई माइनस 1 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.367, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, तो आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। तो ये वैल्यू कुछ 0.37 लिख सकती हूँ मैं, तो 1 माइनस 0.37 इज हाउ मच, पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये कुछ आएगी 0.63 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 जा ये कुछ आएगा 0.31, इतना आएगा। ठीक है, ये कुछ था 63, हाँ जी, तो ये इतना आएगा 0.31। अब आप इसमें देखिए, अगर मैं सी ऑप्शन देखूं तो t इक्वल टू जीरो यहाँ है, t इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो है, बिल्कुल है, सही है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, तो ये t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या है, 0.5 है जो कि है। एंड t इक्वल टू हाफ पे जो थर्ड केस है, ये जो हाफ है ये क्या है, हाफ है, एट t इक्वल टू हाफ इसकी वैल्यू 0.31 है जो कि एकदम सही है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स का क्वेश्चन है। आरएल सर्किट में जब करंट फ्लो करती है, यूनिट स्टेप फंक्शन जब हम इनपुट में लगाते हैं, यूनिट स्टेप वोल्टेज, तो आरएल सर्किट में जो करंट आएगी वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। देखिए ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, द सर्किट शोन इन द फिगर हैज इनिशियल करंट IL0 इक्वल टू 1 एम्पियर थ्रू द इंडक्टर एंड एन इनिशियल वोल्टेज हमें देखिए VC0 दिया है माइनस 1 वोल्ट फॉर इनपुट VT इक्वल टू UT, हमें इसमें जो इनपुट दिया है VT वो कितना दिया है, हमें UT दिया है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम करंट IT की वैल्यू निकालने फॉर T पॉजिटिव। अब आप इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें KVL लगाएंगे पहले, तो बाय KVL ही लगाएंगे क्योंकि लूप है, तो इसमें कितना आएगा, ये वी टी इज इक्वल टू इट विल बी आर आई टी ओके प्लस एल डी आई बाई डी टी, आप लोगों को केवीएल भी लगाना आना चाहिए, प्लस वन अपॉन सी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी सॉरी इंटीग्रल जीरो, ये जीरो होगा, जीरो टू इन्फिनिटी आई डी टी। ठीक है, क्योंकि हम इनिशियल टू फाइनल ले रहे हैं ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो कितना होगा, ये हो जाएगा वी एस, अभी देखते हैं, ये हो जाएगा आर ऑफ आई एस, ये हो जाएगा एस एल आई एल एस। ठीक है, और आपको पता भी है कि इसमें इनिशियल करंट भी फ्लो करती है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस एल आई एल जीरो माइनस, ये होगा, एंड प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन सी एस आई एस एंड प्लस वी सी जीरो माइनस अपॉन एस, यही होगा। अब आप इसमें देखिए, यूनिट स्टेप फंक्शन था ना ये, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एस, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आई एस, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है, ये तो 1 ओम है, एल की वैल्यू कितनी है 1 हेनरी है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एस आई एस। ठीक है, उसके बाद माइनस वन, क्योंकि इनिशियल करंट तो इसमें जो है, इसने इनिशियल करंट दिया है क्या, हाँ ये दिया है इसने, क्वेश्चन में आप देखिए, ये हाँ जी, ये जो है इनिशियल करंट 1 एम्पियर है और वी सी जीरो माइनस भी आपको 1 वोल्ट दिया है, इसका मतलब यहाँ पे आपका 1 आ गया प्लस आई एस अपॉन एस, क्योंकि सी भी आपका 1 फराड है, ये सब आप देखिए, प्लस वी सी जीरो माइनस 1 अपॉन एस हो जाएगा। ठीक, अब आप इसमें देखिए, ये जो है जब आप ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट करेंगे, तो आई एस आपने कॉमन लीजिए, तो ये जाएगा कुछ 1 प्लस एस प्लस 1 अपॉन एस, ऐसा होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस, तो आप खुद ही देखिए इसको जरा आप सॉल्व कीजिए, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 बाई एस प्लस 1, विच इम्प्लाइज मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आई एस, और इधर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस, और ये हो जाएगा एस प्लस 2 डिवाइड बाय एस, ये कैंसिल हो गया, तो आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आई एस की वैल्यू हो जाएगी एस प्लस 2 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1,
अब आप आंसर देखिए क्या आ रहा है, बी। कितनी बार आप देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, गेट 2004 में आया है। इस क्वेश्चन में आपको केवीएल लगा के लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों में लेना है। और आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एल डी आई बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, एस एल आई एल एस। रुकिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, एल डी आई डी टी को हम लिखते हैं एस एल आई एल एस माइनस आई एल जीरो नेगेटिव। सॉरी सॉरी, ये एस आई एल एस आता है, यहाँ पे एल एल से मल्टीप्लाई करोगे। एल आप ब्रैकेट के बाहर रखोगे, डी आई बाई डी टी डिफरेंशियल है ना, जब डिफरेंशियल होगा तो एस से मल्टीप्लाई होगा, तो एस आई एल एस माइनस आई एल जीरो नेगेटिव। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, ये होता है वन अपॉन सी एस ऑफ आई एस प्लस वी सी जीरो नेगेटिव अपॉन एस, वी सी जीरो नेगेटिव अपॉन एस। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ना, क्योंकि आपने पढ़ा है ना क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, या आप ये भी लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, क्यू आई टी के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो वी अपॉन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना, तो ये कुछ इसी फॉर्म में होगा, तभी ये वी सी जीरो अपॉन एस है। अब मैं इतना नहीं क्लियर करूंगी, आप चक्रवर्ती बुक पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, इन द सर्किट शोन इन फिगर हमें वी नॉट टी निकालना है फॉर टी टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आपको ध्यान में भी देना है, इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स लगा है, क्योंकि जनरली डिपेंडेंट वाले सोर्स बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। देखिए फॉर टी टेंड्स टू इंफिनिटी, हमें क्या, टी टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या है कि ये सर्किट आपका स्टेडी स्टेट में कनेक्टेड है। जब भी स्टेडी स्टेट में होता है तो एल शॉर्ट सर्किट होता है, कैपेसिटर ओपन सर्किट। अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लूं, मतलब अगर मैं लिख लूं इसे 10 UT, ठीक है, और यहां पे मैं इसको लिख लूं, ये क्या है आपका करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ट्वाइस IX, और यहां पे ये वैल्यू देखिए ये 5 ओम है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे इंडक्टर को 2 हेनरी को, और यहां पे ये 5 ओम वाला आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई, आई एक्स हो गई। अब आप इसमें क्या करेंगे, यहां पे आप नोडल एनालिसिस लगाएंगे, तो मैंने वी एक्स मान लिया इसको। अब वी एक्स अगर आप देखें, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है, वी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस आई एक्स है, अगर आप फिगर से देखें, बाय फिगर आपके पास वी एक्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस आई एक्स ही तो होगा, यही तो होगा, क्योंकि ये क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब आप इसमें केसीएल लगाइए, जब आप नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो केसीएल में क्या आएगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, यहाँ पे नोडल में मिल रहा है ना, यहाँ पे हमें इस तरह से देखना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 UT इज इक्वल टू वी एक्स माइनस ट्वाइस आई एक्स बाय 5, एंड अगर मैं इसको ऐसे लिखूं इज इक्वल टू आई एक्स, सॉरी इधर मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, क्योंकि ये ऐसे जा रही है ना, इधर इधर मिल रही है ना इस नोड पे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि हाँ जी, अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ वी एक्स को भी, अगर मैं कितना है वी एक्स, फाइव आई एक्स है, एक मिनट रुकिए रुकिए, इसमें ओ सॉरी इसमें एक गलती हो गई है, रुकिए मैं बताती हूँ, ये जो है आपका, आई एम वेरी सॉरी, देखिए हो जाती ना गलती जब मेरे से हो जाती है, तो देखिए ये जो वी एक्स है, ये तो टू आई एक्स तो अलग चीज है, ये है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि टू इज मल्टीप्लाइड बाय आई एक्स, तो ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अब वी एक्स तो इस नोडल पे होगा ना, हम इस पे केसीएल लगाएंगे, यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है, आई एक्स। अब ये वी एक्स यहाँ पे भी आपका करंट सोर्स है, यहाँ भी आपका करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो ये टू आई एक्स नहीं, ये वी एक्स टू आई एक्स नहीं होगा, वी एक्स हम इसके क्रॉस निकालेंगे 5 ओम के क्रॉस, तो वी एक्स और वी एक्स कितना हो जाएगा, 5 आई एक्स होगा, क्योंकि ये कहाँ बह रहा है, ये 5 ओम है और यहाँ करंट आई एक्स जा रही, तो यही तो आपका पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यही तो आपका वी एक्स आएगा, तो ये 5 आई एक्स हो गया। अब जब आप केसीएल लगाएंगे, तो केसीएल में आप देखिए, अगर मैं बोलूँ हाँ जी, तो इसमें आप देखिए 10 यहाँ पे ये करंट मिल रही है, दिस प्लस दिस, और ये बाहर जा रही है, तो अगर मैं बोलूँ इसको 10 UT है ना ये, तो एक मिनट रुकिए, इसको हम सही से देखते हैं, 10 प्लस UT को अगर मैं 1 ही मान लूँ और VX को लिख लूँ 5 IX माइनस ट्वाइस IX डिवाइड बाय 5,
इज इक्वल टू आई एक्स, विच इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 आई एक्स डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू आई एक्स। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू आई एक्स माइनस 3 आई एक्स अपॉन 5, यही होगा ना, आई एक्स माइनस 3 आई एक्स, सॉरी यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे होगा ना 10 इज इक्वल टू आई एक्स माइनस 3 आई एक्स अपॉन 5, तो विच इम्प्लाइज ये इसके साथ एलसीएम में लोगे तो ये कितना होगा ट्वाइस आई एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 10, तो विच इम्प्लाइज ये कितना होगा 2 5 जा 10 हो गया, तो आई एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, आई एक्स की वैल्यू जो है वैसे मेरे ख्याल से तो 25 एम्पियर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है एक मिनट रुकिए थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें, देखिए अगर हम इसमें केवीएल लगाएंगे ठीक है 10 यूटी एम्पियर है, क्योंकि मैं इसको अगर ऐसे अगर मैं नोडल एनालिसिस लगा रही हूँ, नहीं नहीं एक चीज़, हाँ हाँ रुकिए रुकिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगा रही हूँ ना तो ये इस तरह से नहीं होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखिए रुकिए क्या गड़बड़ हो गई है मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं इंसान गलती करके ही सीखता है, अगर देखिए जो मैं गलती मैं आपसे जो मेरे से गलती अभी इस वक्त हो रही है, हो सकता है ये गलती आप लोग भी एग्जाम में करें, तो ये गलती नहीं करनी, देखिए गलती मैंने कैच कर ली, क्या गलती है, गलती क्या है, गलती ये है कि अभी जैसे हाँ जी देखिए इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्या, ये जो नोडल एनालिसिस है ये गलत लिखा है मैंने, ठीक है, अब इसमें हमें ध्यान देने की बात है कि जब ये कोई नोड है ठीक है, नोड क्या होती है वेयर ऑल दी ब्रांचेस मीट, अगर यहाँ से नोड से करंट निकल रही होती है ऐसे तब तो सब प्लस होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये होता 10 यूटी तब हम लिखते कि 10 यूटी प्लस दिस माइनस वी एक्स माइनस ट्वाइस आई एक्स बाय 5 प्लस आई एक्स लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस साइड में जो करंट है ये आपकी ऊपर जा रही है इसलिए ये माइनस 10 यूटी होगा क्योंकि ये ऊपर करंट जा रही है, दूसरा इसमें जो होगा अब हमने जब इसको माइनस कर लिया है तो अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, मतलब कि मैं इसको लिख सकती हूँ वी एक्स माइनस ट्वाइस आई एक्स बाय 5 एंड मैं इसको लिख सकती हूँ प्लस आई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, अब आप इसको अब सॉल्व कीजिए, ये माइनस 10 हो गया और वी एक्स की वैल्यू 5 आई एक्स माइनस ट्वाइस आई एक्स डिवाइड बाय 5 प्लस आई एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3 आई एक्स डिवाइड बाय 5 प्लस आई एक्स इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 आई एक्स डिवाइड बाय 5 विच इम्प्लाइज आई एक्स इज इक्वल टू 50 बाई 8 एम्पियर हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वी नॉट टी पूछा है, थेवेनिन वोल्टेज एक तरह से, थेवेनिन वोल्टेज भी नहीं तो वी नॉट टी कितना है आपका, जो आपका वी नॉट टी है एक्चुअली है क्या, दिस इज इक्वल टू वी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 5 ऑफ आई एक्स, यही तो है, यही है ना, तो 5 वी ए वी नॉट टी मतलब दिस आउटपुट वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस आई एक्स टी मीन्स आई एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो 5 इंटू 50 बाई 8 तो कितना हो जाएगा ये 2 4 जा 8 225, तो दैट मीन्स इट विल बी 25 5 जा 125 बाई 4, यही होगा, अब आप इसको सॉल्व कीजिए 4 3 जा 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 25, तो ये इतने वोल्ट्स आएंगे। देखिए गलती कहाँ हुई मुझसे, केवीएल लगाने में हुई, सॉरी केसीएल लगाने में हुई, अगर मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपको वही चीज आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए देयर इज अ नोड, ये नोड है, इस नोड पे बहुत सारी ब्रांचेस आके मीट जब करती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तब तो यहाँ प्लस होगा क्योंकि हम मीट कर रहे हैं, या सारी इकट्ठे बाहर निकले ये भी ये भी ये भी तब भी प्लस होगा, लेकिन अब एक क्या हो रही है इस नोड पे, क्या हो रही है कि ये वाली तो इधर जा रही है और यहाँ पे हम प्लस माइनस ऊपर से नीचे लेते हैं ना, ग्राउंड पे माइनस लेते हैं पोटेंशियल, जनरली ग्राउंड वाला आपका जीरो वोल्ट्स पे होता है और यहाँ पे ये करंट आई एक्स निकल रही है और ये ऊपर जा रही है, तो ये वाली वैल्यू तो 10 यूटी इक्वल टू आई एक्स ही होगा ना, तो मैं माइनस 10 यूटी नहीं कर सकती, माइनस 10 यूटी प्लस आई एक्स एंड प्लस ये वाला हाई पोटेंशियल पे, तो वी एक्स माइनस 2 एक्स बाय 5 मैंने सही तो किया है, देखिए मुझसे क्या गलती हुई, दूसरा ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू 2 आई एक्स बिल्कुल नहीं होगी, वी एक्स विल बी टेकन अक्रॉस दिस
रेजिस्टेंस 5 ओम, क्योंकि यहाँ कहीं कोई ब्रांच में रेजिस्टेंस पैरेलली में कनेक्टेड नहीं है, हम इसके क्रॉस, इस ब्रांच के क्रॉस हम Vx यहाँ लेंगे, पर ये इस 5 ओम के क्रॉस नहीं ले सकते क्योंकि इस 5 ओम के सीरीज में ये वोल्टेज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इसीलिए Vx इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ Ix होगा, इसीलिए ये सही है। गेटिंग? अब आपको मैं असाइनमेंट में क्वेश्चन दे रही हूँ, ये बहुत ही होमवर्क का क्वेश्चन है और इसे आप लोग करके आइएगा। ये 12 वोल्ट सीरीज में है विद दिस 3 ओम, यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट लगी है 6 ओम में, तो हमें यहाँ पे VTH निकालना है, VTH मतलब थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, और ये क्वेश्चन आया है तो प्लीज इसको सीरियसली करके मुझे आंसर लिख के बताइएगा, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें या तो आप KCL लगाएंगे या KVL लगाएंगे, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, तो ये VTH या तो 6 ओम के क्रॉस आ जाएगा। अब मैं इससे आगे नहीं बताऊंगी, ठीक है? आप लोग मुझे ये करके बताएंगे, टिल देन आप लोग देखिए मैं इतनी मेहनत करके आपको बता रही हूँ, तो कम से कम आप एक लाइक तो बना ही सकते हैं, लाइक प्लीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अन अकेडमी में भी मैंने जो 13 कोर्सेज डाले हैं कृपा करके आप वो पढ़ें, मैंने जो फॉर्म भरा था प्लस एजुकेटर का या लाइव क्लासेस लेने का, अभी वो कि कोरोना की वजह से सारे फॉर्म्स क्यूड अप हैं, तो जो पुराने लोग हैं जो 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं उन्हें तो वो मौका मिल गया है पढ़ाने का, क्योंकि वो पहले से पढ़ाते हैं, हम लोग न्यू कमर्स हैं तो हमारे लिए जो अनअकैडमी की टीम वेट करने को बोल रही है, बट टिल देन आप 13 कोर्सेज जो मैंने डाले हैं ये दे आर वेरी बेनिफिशियल, इसको प्लीज रीड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है? और प्लीज एक जो थंब बटन है लाइक का वो अब आप मेरे हर वीडियो में बना दिया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अब आप तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं, ओके? थैंक यू, ठीक है? थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यही मैं आपको बोलूंगी, और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है?